मित्रों नमो नमः। बृहत्तरी समागम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 2023 सीटेट एग्ज़ाम का सटीक आंसर, जो आज 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान का लेकर आया हूं, इसको फटाफट आप लोग मिला लीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि मुझसे मिस्टेक हो गया, ये जो 2023 सीटेट, ये 10 जनवरी का जिन लोगों का एग्ज़ाम था उन लोगों के लिए आंसर की है, जो 10 जनवरी को प्राइमरी लेवल का दिए होंगे उन लोगों के लिए है। बाल विकास, पहला क्वेश्चन, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है, यानी बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। इसका चार ऑप्शन पढ़ा जाएगा, बाल बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है, विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। तीसरा ऑप्शन है, केवल अनुवांशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। फिर चौथा है, एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है, यानी इसका पहले का राइट आंसर हो जाएगा, पहले का पहला ही सही हो गया। इसी प्रकार दूसरे पर चलेंगे, फिर दिया किसी व्यक्ति की अनुवांशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत दिया। इसका पहला ऑप्शन का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता, दूसरा एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं, और तीसरा दिया कभी पारस्परिकता नहीं करते हैं और न ही विकास को प्रभावित करते हैं, और चौथा दिया विकास पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है, यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो दूसरे का दूसरा ही इसका सही आंसर है, इसका दूसरे का दूसरा ही सही इसका आंसर है। फिर तीसरे क्वेश्चन चलेंगे, एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ से पाता है, यानी एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ कहाँ से शुरू करता है, विद्यालय से, मीडिया से, माता पिता से, अखबारों से। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं पहले तो अपने माता पिता यानी परिवार से ही सीखता है, घर पे ही सीखता है, इसका राइट आंसर तीसरा वाला सही हो गया, तीसरे का तीसरा। अब फिर चौथे चलेंगे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल कर, संकेतों का संवेदी गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संख्यात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, सभी लोग जानते हैं। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। फिर दिया आपका पांचवा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती है, संचालन, स्कीमा और अनैच्छिक सहज क्रियाएं, संप्रत्यय, सभी लोग जानते हैं कि इसको स्कीमा, जो स्टोरेज होता है इसको स्कीमा ही कहते हैं। इसका पांचवे का राइट आंसर दूसरा वाला सही हो गया। फिर इसके बाद छठवें क्वेश्चन चलेंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वायगोस्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर ने। तो इसका छठवें का राइट आंसर हो जाएगा, ये वायगोस्की का ही सिद्धांत दिया गया, लेव वायगोस्की, यानी छठवें का दूसरा। फिर सातवें चलेंगे चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वायगोस्की स्पष्ट रूप से की महत्व पर जोर देते हैं, संस्कृति पर, परिपक्वता पर, नकारात्मक प्रतिपुष्टि पर, पुनर्बलन पर। तो सातवें का राइट आंसर है संस्कृति, सोशल कल्चर, यानी इस पे इसका राइट आंसर संस्कृति हो जाएगा, सातवें का पहला हो गया। फिर आठवें चलेंगे, निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों को एक क्रम सुझाया था, बी एफ स्कीनर ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, लेव वायगोस्की ने। यानी आठवें का राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये तीसरा लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक कोहलबर्ग का सिद्धांत दिया था। फिर नौ नंबर क्वेश्चन है आपका, दिया है एक मिलान करने वाला दिया, एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम प्रक्रिया, अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने
चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करने चाहिए। आर्द्र या एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। सही विकल्प चुनिए। तो इसका राइट आंसर है, यानी ये नौ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नौ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, यानी इसका पहला ऑप्शन कहाँ गया, ये पहला वाला ही इसका राइट आंसर। ये आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, इसका आंसर है। फिर दिया है 10 पर बुद्धि लब्धि आई की परीक्षणों का आलोचना करने का आधार क्या था? पक्षपाती मानदंड, गुणात्मक आकलन का प्रयोग, संस्कृति संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, बच्चों में सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। यानी 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला, पक्षपाती मानदंड। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन में बाधक है, चिंतन में सुसाधित करती है, चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती, और चौथा दिया चिंतन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। यानी 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसका, चिंतन को सुसाधित करती है, इसका दूसरा वाला इसका सही हो गया, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो गया। फिर दिया 12 नंबर क्वेश्चन, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय में सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? जेंडर रूढ़िवादिता, समावेशी उपागम, जेंडर समानता, खोजी उपागम। यानी 12 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग ये पूछा भी गया था कई बार, ये जेंडर रूढ़िवादिता का क्वेश्चन कि लड़कों काम लड़कियां नहीं कर सकती, ये गलत बात है। यानी अब इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कि कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया है, समस्या संसाधन रुकावट बाधा। 13 इसका राइट आंसर हो जाए संसाधन प्रक्रिया, दूसरा वाला इसका राइट आंसर सही हो गया। फिर दिया इसके बाद 14 नंबर, निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन, मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन। यानी ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला कहाँ गया, इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वयं का मूल्यांकन जो होता है, इसका राइट आंसर है, राइट आंसर। फिर इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, ये मिलान करने वाला दिया, नीचे किसी नए संपत्ति को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? आर दिया इसे सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता, सही विकल्प चुनिए। तो एक मिलान वाला है, इसको बाद में व्याख्या है, पहले इसका आंसर जान लिया। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला, यानी ए सही लेकिन आर गलत है, यानी पहले इसमें ए सही है आर गलत है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, 16 नंबर, वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है? संस्कृति और धार्मिक विविधता का समारोह और उनके और दूसरा ऑप्शन है उनके सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति, और तीसरा जब विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना, उनमें पदानुक्रमकता स्थापित करना, चौथा दे एक साझी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत करना और संबद्धता के भाव को बढ़ावा देना। तो यानी 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, इसका सही हो जाएगा तीसरा, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। 17 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं, दूसरा दिया विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, तीसरा विद्यार्थी हमेशा अतिक्रियाशील होते हैं, चौथा दिया विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों को अलग अलग हो सकते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चौथा, विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला,
चौथा सही हो गया। फिर इसके बाद दिया 18 क्वेश्चन, कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो। इन विद्यार्थियों का पृथकीकरण किया जाए, बोर्ड से काफ़ी दूर उनकी सीट पर कर दी जाए। चौथा, केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पाठ पढ़ाया जाए। तो इसका 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, इसका सही हो जाएगा, पहला वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो। फिर इसके 19 नंबर क्वेश्चन है, अवधान न्यूनता अतिक्रियशीलता विकार ADHD से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। वे आवेगशील के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं, वे काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं, उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है, अपने क्रियाओं को व्यवस्थित करने के रूप करते हैं। यानी 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसका, इसका पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यदि आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। 20 पर चलेंगे, निम्न में कौन से युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है। जानकारी को समझाने हेतु अतिरिक्त समस्या देना, दूसरा यह बहुत आसान और सरल सवाल पूछना, तीसरा स्वयं चयनित उच्च क्रम चिंतक कार्य सौंपना, उनसे सफलता की निम्न उम्मीद रखना। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा इसका तीसरा वाला, स्वयं चयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना, इसका पहला तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। 21 नंबर क्या दिया है, 21 नंबर कुछ मिस्टेक है, इसको बाद में बताया जाएगा। 22 नंबर चलेंगे, विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं, केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा, केवल अध्यापक द्वारा कहे शब्दों को दोहराकर, अपने आसपास पड़ोस के पारस्परिकता द्वारा, चौथा दिया निष्क्रिय नकल द्वारा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, इसका सही हो जाएगा तीसरा, अपने आस पड़ोस के पारस्परिकता के द्वारा। फिर दिया इसके बाद अब 23 पे चलेंगे, 23 पर कि प्रबल रूप से इसको भरना है, प्रबल रूप से शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के में सहायक है। क्या होगा, बाल केंद्रित केंद्रित सर्जन, दूसरा अध्यापक केंद्रित सर्जन, बाल केंद्रित केवल पुनरुत्पादन, और चौथा दिया अध्यापक केंद्रित भंजन। तो 23 नंबर का राइट होगा जो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, बाल केंद्रित सर्जन। फिर दिया इसका 24 है, निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है, विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना, विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो, चौथा ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व दे। यानी इसका 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसका तीसरा वाला, यानी तीसरा क्वेश्चन इसका आंसर सही है, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। 25 नंबर चलेंगे, अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए, अर्थपूर्ण, संदर्भित और संदर्भित और अर्थहीन, और तीसरा अर्थपूर्ण और संदर्भित, और चौथा दिया असंदर्भित और अर्थहीन। यानी 25 नंबर का राइट आंसर अर्थपूर्ण और संदर्भित, यानी पहला वाला इसका आंसर सही हो गया। फिर 26 चलेंगे, 26 कुछ मिस्टेक है, बाद में PDF खुल जाएगा तो आप लोगों को फिर से बताया जाएगा। 28 पे इसको देख लीजिए, 28 दिया है कि विद्यालयों के अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए, दूसरा आर दिया है वेग और संज्ञान एक दूसरे संबंधित नहीं है। तो यानी 29 नंबर जो आपका ये क्वेश्चन था, 28 नंबर जो क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 28 का राइट हो जाएगा चौथा वाला, AAR दोनों गलत है, यानी इसका चौथा आंसर है दोनों गलत कथन है, दोनों गलत कथन पूछा गया है। 29 पे चलें, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरित करना होता है, प्रतिस्पर्धा
प्रतिस्पर्धा, दूसरा दिया कंठस्थ स्मरण, तीसरा दिया स्वतंत्र चिंतन, चौथा निष्क्रिय ज्ञान पुनरुत्पादन। यानी इसका 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा वाला क्या है, स्वतंत्र चिंतन, यानी स्वतंत्र चिंतन। फिर 30 नंबर क्वेश्चन, अधिगम को सुसाधित किस प्रकार से किया जा सकता है, योग्यता के सत्व दृष्टिकोण बढ़ावा देकर, दूसरा कार्य के उद्देश्य को विद्यार्थियों से साझा न करके, तीसरा विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, चौथा चिंतन प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके। यानी 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चौथा, चिंतन प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके। मित्रों बस आज के लिए इतने, 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी का हमने अध्ययन किया गया, जिसमें एक दो क्वेश्चन PDF मिस प्रिंट होने कारण नहीं कर पाए, और नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत या हिंदी का क्वेश्चन लेके आएंगे। बस आज के लिए इतने रहने दिए, फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, लेके आएंगे। मित्रों नमो नमः।